थ्रू आई एस एन पी सी एस में आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को हरप्पन सिविलाइजेशन की क्लास ट्वेल्थ एन सी आर टी और बात करते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अब देखो यहाँ पर ये यह वर्ड आए सबसे पहले इसको इंटरप्रेट करना हमें हमारे लिए ज़रूरी है अंबर टेक्नोलॉजीज अब यहाँ पर टेक्नोलॉजीज का मतलब ये है कि खेती बाड़ी की दश, दिशा में आज से पहले जो इंसान थे प्री हिस्टोरिक एज में अगर हम बात करें कि पेरियोलिथिक मीजोलिथिक न्योलेथिक तक भी आते आते बात करें न्यूलेथिक आते आते चलो खेती बाड़ी स्टार्ट हो गई थी बहुत अच्छी तरीके से हंटिंग गैदरिंग से जो पर्सन था वो एग्रीकल्चर सोसाइटी की तरफ बढ़ गया था आगे लेकिन यहाँ पर खेती बाड़ी में एक एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आती है हरप्पा के टाइम पर अब मैं इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ कि एक एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आती है इस बात के ऊपर वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर कम्युनिटीज़ का लॉन्ग टाइम तक सेटल्ड होना ना बहुत जरूरी था बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अगर वो सेटल्ड नहीं होते ना सबसे पहले इंसान को अपनी इस चीज़ की दिक्कत मिटानी थी डैट उसको फूड की प्राप्ति कहां से होगी फ्रॉम वेयर ही और शी विल ऑप्टेन हिज और हर फूड उसको फूड की फूड कहां से मिलेगा जब उसको अकबर ये चीज़ सुनिश्चित हो गई ना ये चीज़ में जब वो श्योर हो गया कि हाँ यार अब मेरे को फूड एक जगह पर मिल सकता है तो उसने सोचा कि मुझे अपनी गृहस्थी जो बसानी चाहिए वो एक नदी के किनारे बसानी चाहिए ठीक है क्योंकि यहाँ पर एलुवियल डिपॉजिट्स वगैरह काफी ठीक होते हैं ठीक है और खेती बाड़ी वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस करी जाती है जो नदी है वो अपने साथ ये जो सेडिमेंट्स हैं जैसे मैं ब्राउन कलर से बना रहा हूँ ये बार बार जो है फ्रेश एलुवियल डिपॉजिट्स को ये बार बार लेकर आती हैं नदियाँ अपने साथ तो इन सब प्रक्रियाओं में जब इंसान सेटल हो गया सेटल होने के बाद जब उसकी खाने की समस्या पूरी तरीके से मिट गई तब उसने अपने जीवन के अदर एस्पेक्ट्स को पहचाना और उसमें उसने बात करी अपने कल्चर को समझने की ठीक है अपनी कुछ सर्टेन कल्चरल प्रैक्टिस को समझने की उसने बात करी कि अब वो अपने कल्चर एक डेवलप करेगा एक रहन सहन अपना डेवलप करेगा लिविंग स्टैंडर्ड ठीक है लिविंग स्टैंडर्ड्स के रहना कैसे है जीना कैसे है जीव जीवन के साधन कौन कौन से हैं इसके ऊपर ये सब इंसान सोचेगा तो यहाँ पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज का मतलब ये भी है कि खेती बाड़ी इस प्रकार से होनी चाहिए कि हल्का फुल्का गुजारा करने के लिए नहीं अब यहाँ पर एक पूरा का पूरा जो लार्ज स्केल में एक एरिया में जो लोग बसे हुए हैं जैसा कि कल मैंने आपको इंडिया के मैप में बताया था उन सबकी नीड्स को फुलफिल करना है ठीक है तो प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का सबसे पहले तो प्रेवलेंस जो है हमें देखने को मिलता है हमें यहां पर ग्रेन मिल रखे हैं जैसा कि हमने बात करी थी चार्ड ग्रेन्स बर्न ग्रेन्स है ना बर्न ग्रेन्स ठीक है तो इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑब्वियसली बात है हिस्टोरियन के हिस्टोरियन के सामने की लिमिटेशंस है कि एक्चुअली किस वे में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती थी ये जानना बहुत डिफिकल्ट है ठीक है क्या वो क्या वो सीड्स को ब्रॉडकास्ट करते थे क्या स्कैटर करते थे क्या अपने जो लैंड थे उसको जिन लैंड्स को उन्होंने जोता हुआ होता था जो प्लोड लैंड से वहां पर वो सीड्स को जब लेकर आ रहे हैं तो क्या वो स्कैटर करते थे क्या अब स्कैटर करने का मतलब क्या होता है यहां पर ध्यान से देखना सब लोग यहां पर एक पर्सन के पास बास्केट है इस बास्केट में कुछ सीड्स है ये सीड पर्सन ने ऐसे ही फेंकता चला गया पर्सन ये यहां पर यहां पर कहीं पर भी बस वो गिर रहे हैं मुट्ठी भरकर हाथ में सीड्स लिए और फेंक दिए उसको कहीं भी करके तो अब जो प्लांटेशन होगी वो थोड़ी सी अंबर हौसफ तो होगी मतलब यहां पर यहां पर याँ पर याँ पर कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है ये इसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड इन एग्रीकल्चर इसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड इन एग्रीकल्चर दो तरह के प्लांटेशन के अनुमान है जो कि मिल सकते हैं हमें वो क्या या तो इंसान ने ऐसे करा सीड्स को वर सीड्स ब्रॉडकास्ट स्कैटेड ऑन लैंड्स या फिर धीरे धीरे करते करते ये एक जमीन है ये एक जमीन है जो खेत जो जोत रखा है वैसा एक पूरे का पूरा ये प्लॉट लैंड है इस पे इन्होंने क्या करा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सीड्स प्लांट करें कुछ ऐसे तो जब ये सैबलिंग बनेंगे तो ये अंबर कुछ ऐसे दिखेंगे हमें बना रहा हूं अभी अब ये एक ऑर्गेनाइज वे में दिख रहा है ना मुझे लाइन में है ना ये वाले जो सीड है मैंने यहां पर क्या करा कोई भी सीड्स को किसी भी सीड्स को मैंने वेस्ट नहीं होने दिया मैंने वेस्ट नहीं होने दिया एक एक सीड मेरे लिए कैसा था सीड इज इक्वल टू सैपलिंग सैपलिंग इज इक्वल टू प्लांट प्लांट इज इक्वल टू क्रॉप्स क्रॉप्स इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन ऑफ फूड नीड्स एक सीड मेरे मन में ये चीज ये गोल उत्पन्न कर रहा था कि फूड नीड्स फुलफिल हो जाएगी तो वेस्ट का एक करना है वेस्ट का एक वो करना है अब देखो ध्यान से देखना अंकिता एक हायर लेवल पर जाते हैं हम लोग ठीक है समझना है इसको शाइनी जो रिप्रेजेंटेशन है सील्स पर और टेराकोटा स्कल्पचर्स पर वो अंबर हमें ये इंडिकेट करते हैं डेट वर फेमिलियर विदुल बुल बुल वॉज नोन टू देम बुल नोन टू देम नाउ यू कैन एड एनिमल्स की लिस्ट में बुल और आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो इस बात को ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोलिट भी कर जाते हैं अब इसके ऊपर ये नहीं है अंबर एक्स्ट्रा पोलिट का मतलब क्या होता है जैसे आप कोई एक बात बोल रहे हो ए घटना हुई थी ए आप किसी को सुना रहे हो चाट मसाला लगा लगा के आपने उस घटना को ए पॉइंट टू बना दिया है वो ए ही बी नहीं हुआ लेकिन ए पॉइंट टू बना दिया कुछ आपने उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ए टू ए थ्री बनाकर या फिर कुछ चीजें डिलीट कर दी तो आर्क्योलॉजिस्ट इससे एक चीज एक्स्ट्रा पोलेट कर लेते हैं कि जब बुल उनको पता था तो ऑक्शन पता था अब इस चीज में कोई डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि एक्चुअल वहां पर जाकर कोई नहीं देखा है और हमारे सामने टेराकोटा फिगरीन है मोर ओवर हमें कुछ टेराकोटा टेराकोटा टेरा मॉडल्स भी मिले हैं प्लो के एक प्रकार से हैंड प्लो हल जो होता है हाथ से यूज करने वाला उसके हमें टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं और ये अमर हमें, हमें मिले हैं टेराकोटा मॉडल्स ना एक्चुअल उसके नहीं मिले हैं बड़े वाले शेप के नहीं मिले हैं ये बेसिकली हमें टॉय फॉर्मेट में मिले हैं टॉय मॉडल्स मिले हैं हमें अब एक बार बताओ जरा अंबर अगर जो चीज आप खिलौनों की फॉर्मेट में बना सकते हो तो आपने इसका मतलब असल जिंदगी में उसको अपनी आंखों से देख रखा है तभी तो किसी फॉर्मेट को आप कोई चीज ड्राइंग वगैरह या फिर कोई चीज कर पाओगे बताओ है कि नहीं और खिलौने तो तभी ना जब ऐसी कोई चीज आपने देखी हो मिलती जुलती है ना कैसे दिखते थे ये ये मिला टेराकोटा मॉडल फ्लो का ये अबे टेक्नोलॉजी तो है बताओ उस जमाने का आदमी अंबर ये बना रहा है अगर आज हमें कोई बोले कि क्ले लेकर या घर का सामान लेकर ये बना लो तो अंबर हमसे ना बने पूरे चौबीस घंटे लगा कर ये नहीं टेक्नोलॉजी तो है कि इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए अपने खाना वगैरह बनाने के लिए एग्रीकल्चर को एक बढ़ावा देने के लिए भाई एक ऐसी चीज का आविष्कार कर दिया जिससे सॉयल की अपटन ईजी हो गई अब इससे एक चीज मैं जैसे आर्कियोलॉजिस्ट एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं ना कि बुल अगर मिलता था तो ऑक्सीजन भी मिलता होगा मैं आपको एक एक्स्ट्रापोलेशन की चीज बताता हूं जो कि गलत नहीं हो सकती दे न्यू आप खेत को जोत रहे हैं तो ठीक है लेकिन आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो दे वर ऑल्सो फेमिलियर विद द टेलिंग ऑफ सॉइल टेलिंग ऑफ सॉइल जब हम अंबर खेती बाड़ी करते हैं तो होता क्या है ऊपर की जो मिट्टी होती है वो धूप वगैरह बारिश आंधी की बग, वा, वा, उसकी वजह से जब वो एटमॉस्फेयर के साथ कॉन्टेक्ट में रहती है तो उसकी ना एक तरीके से नमी चली जाती है उसमें उतने न्यूट्रंट ही रह जाते हैं लेकिन जो इसके नीचे वाली लेयर होती है ना वो डार्क ब्राउन होती है वो सूरज वगैरह से बची हुई है आंधी तूफानों से बची हुई है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बची हुई है तो जब भी हम खेत को जोतते हैं जैसा कि एक वो टेराकोटा मॉडल जो था प्लो का अगर हम यहां पर लेकर आए कि वो उनके पास एक प्लो था और मान लेते हैं कि हम प्लो एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाते हैं कि हमारे पास ये है एक फावड़ा खुरपी कुछ भी कह लो उसको ऐसे करके और ये ठीक है हम इससे खेत की जुताई करेंगे अब होगा क्या यह वाली जो मिट्टी है ये वाली जो मिट्टी है ये इसके साथ मिक्स हो जाएगी मिक्स हो जाएगी ना और मिक्स होने के बाद ऊपर आ जाएगी ये वाली लेयर ऊपर आ जाएगी ये वाली लेयर यह फिगर था एस ए हमें उसको करना है एस बी इसको इस प्रोसेस को अंबर कहते हैं टेलिंग ऑफ सॉइल और इसी को कहते हैं खेत को जोतना प्लोइंग द फील्ड अब ये काम पहले ना ऐसे इस तरह के प्लो से होता था बाद में आज भी मतलब बाद में क्या आज भी जो है ये बैल वगैरह करते हैं ठीक है अब क्या है जिनके पास जो रिच फार्मर्स है ना जिनके पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर के पीछे आपने ऐसे चार कांटे वाले इक्विपमेंट देखे होंगे ऐसे फिल्मों में कि ट्रैक्टर के पीछे चार कांटे टाइप एक इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं वो जब खींचकर जाता है ना ट्रैक्टर उनको हम पर तो यू कैन इमेजिन के सॉइल टिलिंग सॉइल की टिलिंग हो रही है ऊपर नीचे हो रहा है सॉइल ये कर रहा है ट्रैक्टर टिलिंग ये लो, देख लो कर रहा है ऊपर नीचे कर दिया अब टर्न कर दिया सॉइल को ठीक है ये देख लो ये और हमने क्या करा सीड को ब्रॉडकास्ट नहीं करा एक एक करके ऑर्गेनाइज वे में लाइन में लगाया जैसा कि यहां पर मैंने बना के दिखाई ये देखो ये इधर ये बिल्कुल उसी ऑर्डर में लगे हुए ना ये तो देख रहे हो हरप्पा का आदमी के पास इतनी नॉलेज थी उस जमाने में ये है देखो अंबर यहां पर देख लो ये बगल वाली फील्ड में भी गया नहीं है यहां ऐसी ड्राई ड्राई सी मिट्टी पड़ी हुई है जब ये खेत को जोत देगा ना नीचे की डार्क ब्राउन कलर जो फर्टाइल है जिसके अंदर ह्यूमस है न्यूट्रेंट कंटेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे ऊपर आ जाएंगे इस पर जब सीड्स को डाला जाएगा ना एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में फिर इसकी ऐसी एक लेयरिंग कर दी जाती है लेयरिंग कैसे ये लेयरिंग, कैसे? लेयरिंग, कैसे? लेयरिंग कर दी जाती है और उस पर करके ऐसे सीड्स को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहता सैम्पलिंग उगा लिया जाता है जिससे एक ऑर्गेनाइज वे में एक सिंगल सीड भी बर्बाद नहीं होता इस तरह की लेयरिंग करी जाती है ये देखो यहां पर एक एक करके सीड हम यहां पर डाल सकते हैं ऐसे डन ये प्रोसेस समझ में आ गया अब ये टेराकोटा मॉडल जो हैं है कहा मिले हैं अंकिता सब लोग वेरी इंपॉर्टेंट ऐड कर लेना चोलिस्तान एंड बनावली हरियाणा बनावली वाली बात तो हम जानते हैं चोलिस्तान नहीं जानते आर्कियोलॉजिस्ट ने प्लोड फीड के एविडेंस राजस्थान में कालीबंगन में भी पाए जो कि एसोसिएटेड है विद अर्ली हरअप लेवल्स। अभी हम इसको देखेंगे आगे मतलब कालीबंगन राजस्थान में जो हमें खेत जो जोते हुए जो खेत हैं उनके अगर हमें एविडेंसेस मिले हैं वो अर्ली हरप्पन लेवल्स के साथ एसोसिएटेड है ये कहते हैं हिस्टोरियंस ठीक है अब यहां से जो मैंने आपको गूगल इमेजेस दिखाई है नाबर यहां पर लिखा हुआ है द फील्ड हैड टू सेट ऑफ फरोस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर जो कि ये सजेस्ट करते हैं डेट टू डिफरेंट क्रॉप्स फॉर ग्रो टूगेदर कैसे इसका मतलब क्या है टू सेट ऑफ अरोस ये है इसका मतलब नंबर देखना एक जा रहा है इस लाइन में एक जा रहा है इस लाइन में क्रॉप ए क्रॉप बी ऐसे उगते होंगे ताकि क्रॉप ए क्रॉप बी का कंटेंट ऑक्युपाई ना करे और बी ए का कंटेंट ऑक्यूपाई ना करे तो देख रहे हो एक प्रकार से इसी बात से अगर दो क्रॉप उग सकते थे तो जहां जहां फील्ड बड़ी होती होंगी क्या हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं अर्पित के तीन क्रॉप्स भी उगाए जाते होंगे कभी कभार तो अंकिता यानी कि एक चीज ऐड कर लेना सब लोग अपने नोट्स में अम्बर यू ऑल्सो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम से भी फेमिलियर थे हर देख हरपंच अंकिता नई नई कितनी भयंकर लेवल की बातें पता लग रही हैं अप्रूव करने को आ जाए तो हम बैठ जाएंगे फिर एग्जामिनेशन हॉल में अंकिता कि करें क्या ये ये छोटे छोटे लाइन्स होंगी जो हमें बचाएंगी कि जब हिस्टोरियंस ने ने जब फील्ड को कभी कब देखा तो उन्होंने ऐसे देखे दो, दो तीन तीन सेरोजिस्ट right uh, ने यह भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है। देखो एक खेत को जोतने के लिए सॉइल को टिलिंग करने के लिए अंबर प्लो तो यूज कर लिया जाता होगा ठीक है लेकिन जब हार्वेस्टिंग जब फसल उग चुकी है तो कटाई के लिए भी तो कुछ यूज होता होगा है ना हार्वेस्टिंग होती है जब जब फसलों की कटाई होती है तब कटिंग ऑफ क्रॉप्स जब वो पूरी तरीके से रेडी हो गए तो यहां से एक चीज ये निकल कर आती है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्या हरअप स्टोन ब्लेड्स का इस्तेमाल करते थे जो कि वुडन हैंडल्स में बने होते थे या फिर वो किसी मेटल टूल का इस्तेमाल करते थे तो जर्नली क्योंकि सबसे ज्यादा चीजें इनमें से क्या मिली हैं स्टोन ब्लेड्स वगैरह मिले हैं ठीक है और वुडन हैंडल्स वगैरह सरवाइव नहीं कर पाए बोन हैंडल्स सिर्फ सरवाइव कर सके हैं। दो चीजों दो जो चीज थी ना प्रिस्टोरिक से चली आ रही थी एक कभी कभार ग्रे कलर से मैं जो बना रहा हूं तो उसको हड्डी समझ लेना एक हड्डी या कभी कभार एक लकड़ी ये इसमें कोई ना कोई चीज फंसा अलग अलग टूल्स की मैंने शेप बनाती या तो वुड या बोन हैंडल बोन वाले तो सरवाइव कर सके हैं लेकिन फिर भी हमें बहुत ज्यादा तो नहीं मिले वुड वाले नहीं कर पाए लेकिन सरवाइव। तो हार्वेस्टिंग के लिए जनरली ऐसा माना जाता है कि या तो कोई एक ऐसी चीज स्टोन ब्लेड्स वगैरह जो हमने ऊपर देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये वाली ब्लेड इसलिए राइटर ने आपको यहां पर यह दे रखी थी ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी में ये वाली जो ब्लेड है ये ये फंसा दी जाती होंगी किसी बोर हैंडल के अंदर फसलों की कटाई करने के लिए क्यों कैसे कह सकते हैं यह वाली बात हम कैसे कह सकते हैं एक तो सबसे बड़ी बात इनकी एजेस शार्प है शार्प एजेस नंबर वन उसके बाद लेंथ ठीक ठाक है ठीक है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है बहुत ज्यादा छोटा नहीं है स्टोन जो होता है वो काफी टाइम तक किसी भी अगर हम उसको हैंडल में यूज कर रहे हैं अगर यहां पर हमने ऐसा एक छेद करा जिससे हम बोन को फंसाएंगे यहां पर तो स्टोन जो है अपने वजन की वजह से इंटैक्ट भी रहता है टूटेगा नहीं वाला स्टोन और स्टोन भी कोई ऐसा वैसा यूज नहीं करते थे हमने देखा था क्या था वो स्टोन हम्म नहीं नहीं स्टीटाइड कभी कभार टेराकोटा मतलब एक अलग अलग तरह के मतलब मैं बता रहा हूं चर्ट ठीक है वो अलग बात है हाँ, वो सिक्स से जो आप कह रहे हो चिक्की मुखी कल वो ठीक है लेकिन फिर भी अलग अलग प्रकार के जो स्टोन यूज होते थे ना अब ऐसा नहीं है क्योंकि देखो अंबर एक चीज समझो हार्वेस्टिंग के टाइम पे हमें दम नहीं लगानी पड़ती कि अगर आप दम लगाओगे फसल वो बेकार है हमें उनको आराम से काटना है और इस टाइम पर जो इंसान था हालांकि खेतीबाड़ी कर रहा है लेकिन उतने बल्ग में भी नहीं कर रहा है जितनी आज के आज के समय में होती है तो यहां पर जो हैंडल्स को वो बनाएगा जो स्टोन से सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि इसके शार्प है जिससे तो आराम से हार्वेस्टिंग इससे हो सकती है इन स्टोन में फंसा देगा इन स्टोन ब्लेड्स में स्टोन भी नहीं कहना चाहिए स्टोन ब्लेड्स में फंसा देगा अब वो स्टोन ऐसे भी तो नहीं होने चाहिए ना बार कि देखो वो स्टोन जो है वो ऐसा दिख रहा है कुछ हथोड़े जैसा और ये टूल उस पर बोर हैंडल फंसा हुआ है ये कुछ भी हैंडल फंसा हुआ है इससे कैसे कटाई होगी वो एटलीस्ट एजिस में तो शार्प हो कम से कम एजिस में तो शार्प हो कम से कम और इसके बाद क्या करा जाएगा इसको किसी एक लकड़ी के हैंडल में ऐसे फंसा लिया जाएगा लकड़ी का हैंडल नहीं है तो बोन हैंडल इसको इमेजिन कर लो कैसे भी टूल को मोड़ कर सीधा करके जैसे मर्जी आपको ठीक लगे उसको जैसे मर्जी इमेजिन कर लो इस टूल को जो आपको ठीक लगे ठीक है अम्बर क्लियर यहां तक कोई भी चीज में दिक्कत आगे देखते हैं मोस्ट हरपन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरेड लैंड्स एक होता है एरिड एरिड का मतलब होता है कंप्लीट ड्राई डेजर्ट वाले सेमी एरिड का मतलब होता है भाई बारिश की किल्लत है यहां पर लेकिन अगर वाटर मिल जाए तो काफी थोड़े टाइम तक उस मिट्टी में नमी बरकरार रहेगी अब जब नमी बरकरार रहेगी तो भाई सेमी एरिड इसलिए क्योंकि बारिश तो फिर भगवान भरोसे होगी है ना अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भगवान का स्वरूप ही पूरी तरीके से नहीं बना है तो कृपा अगर मांगे नहीं भी हो तो गॉड से मांगे कैसे क्योंकि हरप्पन मोस्टली आगे चलकर बनेगा इनका शिवा का सील आएगा उससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं शिव जी थे एंड मदर गॉडेस वो पार्वती थी मोस्ट हरप्पन साइड आर लोकेटेड इन सेमी एर लैंड जहां पर इरीगेशन जो था इट वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर इरीगेशन क्या होता है एक ऐसा आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वॉटर वे जिससे आप अपने खेत को या खेती बाड़ी को पानी सप्लाई कर सकते हो राइट नंबर है ना अब ये लाइन देखो ये लाइन देखो मिसबा कितनी इंपॉर्टेंट है मोस्ट हरअपन साइट आर सा लोकेटेड इन सेमी एरेड लैंड अंकिता अपने आप में स्टेटमेंट बन सकती है ये मोस्ट मोस्ट वर्ड है मोस्ट लेकिन हम कहीं पर भी ये फैक्ट नहीं जानते हैं कि इरिगेशन फैसिलिटी क्या बहुत अमाउंट में यूज होती थी क्या इसके लिए बस दिमाग में एक इंटरप्रिटेशन जागती है अंबर क्या कि ये इंडस नदी के किनारे बसे हुए थे और वर्ल्ड के मेजर सिविलाइजेशन सारे नदियों के किनारे थे तो इससे एक इंटरप्रिटेशन ये आ सकती है पेपर में बैठकर कि हा नदियों से कंटिन्यूसली सोर्स ऑफ वाटर मिलता तो दैट इज द इगेशन लेकिन सबसे छब्बीस सौ साइड है अरप्पा की और वो कह रहे हैं ज्यादातर सेमी साइट लैंड से, से लोकेटेड थी जी हाँ इसके लिए अगर इंसान का दिमाग एकदम से काम नहीं करेगा लेकिन अगर हम बार इंडिया का अगर हिस्सा को समझ इंडिया के हिस्से को समझे अगर हम हरप्पा को समझने के लिए तो हमें यह समझ में आएगा कि जो इतने एरिया का जो हिस्सा था यह सेमी एर तो होता है या कोई फ्लड थोड़ी ना आता है ऐसे हिस्से में बताओ अंकित आते क्या फ्लड आते हैं यहाँ पर वो अलग बात है कि फ्लड थ्योरी कहती कि बात है एक बहुत भयंकर फ्लड आ गया था वो ऐसा ऐसा हो गया ठीक है अब जो कैनाल्स के ट्रेसेस है ना कैसे प्रूव करेंगे इस बात को हम लोग है ना कि इरिगेशन यूज करते थे कुछ कुछ कैनाल्स मिली और उसके ट्रेसेस हमें मिले हैं हरप्पन साइड जो कि अब देखो ये चीज दिखाती है कि हरप्पन साइड बियॉन्ड इंडिया के फ्रंटियर्स को भी टच करती थी इंडियन सब, सब कॉन्टिनेंट तक फैली हुई थी हरप्पा की साइड नंबर अफगानिस्तान अफगानिस्तान में एक जगह गई तक और यहीं से शुरुआत हो गई थी हमारी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक पहुंचने की अंबर यहीं से शुरुआत हो गई थी जिसको बाद में अफगानिस्तान को एक अपना पिलर स्टैब्लिश करने के लिए अशोका भी यूज करता है बस वो जगह चेंज कर देता है कांदाहर लेकिन कैनाल के ट्रेसेस हमें पंजाब और सिंध में नहीं मिले जैसा कि कई लोग होते ना बर के सोच सकते हैं कि पंजाब से नदियां बह रही हैं है ना सिंध पाकिस्तान से नदियां जाती होंगी वहां पर भी कैनाल बनाए गए होंगे नहीं देर आर नो ट्रेसेस ऑफ कैनाल इन पंजाब एंड सिंध बट बटू बट छोटू गई में मिले हैं और हो सकता है कि वहां पर कैनाल हो हिस्टोरियंस का कहना कि हो सकता है वहां पर कैनाल हो लेकिन नदियों का बहाव बढ़ते बढ़ते फिर नदियों का सूखना तो जो जितनी वो सेडिमेंट अपने साथ लेकर आए ना तो वो कैनाल हो सकता है भर गए हो मिट्टी 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 से और वो जमीन के नीचे चले गए हो हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि, कि किसी किसी जगह पर कुछ कुछ गड्ढे जो खुदे हुए मिले हैं वो हो सकता है कुएं हो जहां से वाटर यूज करा जा सकता हो हर, हल्की फुल्की इरीगेशन करने के लिए बिसाइड्स बड़े सारे वाटर रिजर्वर्ड भी हमें देखने को मिले हैं गुजरात में धौलावीरा में जिनको वाटर को स्टोर करने के लिए एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करा जाता होगा तो अगर हम बोले कि यहां पर टेक्नोलॉजी क्या थी एग्रीकल्चर की इरीगेशन के टर्म्स में नंबर वन कैनाल्स इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में कैनाल्स वेल्स एंड वाटर रिजर्वर्ड्स कॉपर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज हुआ है रप्पा में कॉपर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज हुआ है और ये कॉपर के साथ कॉपर के साथ क्या यूज करते थे जब कॉपर और को हम लोग मिला थे, थे तो केमिस्ट्री कहती है अंबर हमें हमें मिल जाता है इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं चीज याद रखना ठीक है और ये कुछ कॉपर के टूल्स हैं अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हो बार फाइन फाइनली मैनुफैक्चर टूल्स है ना ये देखो उस जमाने के हिसाब से ठीक है कुछ रह तो नहीं गया हम्म ठीक है रिजर्वायर है धौलावीरा के अंदर कह रहा है कारीगरों का काम देखो एक बार जरा इस प्रकार की स्टेप्स में पानी लेकर जाना यह चीज आज के समय में हमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में देखने को मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं बाउलीस बाउली जानते हो गया नंबर स्टेबल्स दिल्ली में जैसे सुना होगा अग्रसेन की बाउली ये स्टेबल्स स्टेबल्स मतलब सीढ़ियों उतर उतर के जाना है जैसे अग्रसेन की बाउली सुल्तान मूवी में ट्रेनिंग हुई थी उसकी यहां पर सलमान खान की ये सारी बाउली सुल्तान नहीं देखी थप्पड़ मारो अपने आर्टिफैक्ट्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं यहां पर ये छोड़ो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो एक टूल आपको कोई भी नहीं बताएगी नंबर आपको ये चीज नोट डाउन करनी है यहां पर एक सेडल कोन यूज होता था सेडल कोन आज के समय में जो हमारे घर पर होता है एक ऐसा पत्थर का टुकड़ा होता है जिसपे ऊबर वाला पत्थर रखा जाता है है ना ये काम आता है हमारे घर पे चटनी बनाने को हरप्पन ऐसा माना जाता है कि इसको यूज करते थे फॉर मेकिंग वेरियस काइंड ऑफ क्रशेस मतलब क्रश करके किसी भी चीज को पेंट बनाना या मसाला बनाना स्पाइसेस को क्रश करके किता देख रहे हो कितना भयंकर लेवल पे फैक्ट और डायग्राम के साथ है सेडल कॉन किसी ने भी हमने ये टर्म सुना है पहले कभी ठीक है ये हमें मिला कहां से है ये यूनिक ये यूनिक पत्थर में मिला कहां से है? ये हमें मिला है मोनझुडारो से ठीक है अब देखो जब भी हमें फूड की प्रोसेसिंग करनी है तो हमें कोई ना कोई ग्राइंडिंग इक्विपमेंट तो चाहिए जिससे हम मसाले वगैरह को या किसी भी चीज को फूड को एक कोई हार्ड है चीज जो की फूड में मिलने वाली उसको हम थिन पार्टिकल्स के अंदर क्रश करके छोटा छोटा बना सकते अंबर राइट अब इस जमाने में अगर मान लो कि इनको अगर मान लो अंबर सॉल्ट मिल रहा है सॉल्ट जो है गुजरात इन्हीं के अंडर आता है मतलब हरपन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में ही आता है गुजरात की बड़ी सारी साइट मान लो इन्हें वहां से नमक मिला ठीक है नमक कभी भी ना जैसे हमारे घर पे हम बार टाटा नमक आता है नमक कभी भी वैसे नहीं पाया जाता नमक हमेशा ना एक ढांचे में रहता है जैसे मतलब मान लो वो एक पिंकिश कलर का होगा और एक पत्थर की तरह रहता है मतलब नमक ठीक है अब इतना बड़ा नमक का पत्थर तो डालेंगे नहीं एक बढ़िया सा इन्होंने कोई भैंस पकड़ कोई भैंसा पकड़ा कोई क्रोकोडाइल पकड़ा मछलियां पकड़ी इतना सारा नमक मिलाकर तो बनाएंगे नहीं खाना अपना इंसान कैसा भी हो जमाने में जमाने में लेकिन नंबर टेस्ट बर्ड्स तो काम कर रहे हैं ना दिमाग से पैदल थोड़ी ना बुद्धि तो है ना उसमें कि खाना मुझे कैसा खाना क्या चीज खा रही है नमकीन है फीकी है इतना तो पता ही है उसे ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं नमक का अब इसे अगर, इसे अगर उसको क्रश करना है कि भैया मुझे चुटकी भर नमक चाहिए तो एक ग्राइंडिंग इक्विपमेंट तो चाहिए पड़ेगा ना उसे मुंह से तोड़ तोड़ के दोनों डालेगा नहीं खाने में नमक इतनी अकल तो है यहां पर तभी तो इसे एरो को हम लोग सिविलाइजेशन बोल रहे हैं तो यहां पर ग्राइंडिंग इक्विपमेंट और कुछ कुछ वेसल्स की जरूरत पड़ती थी फॉर मिक्सिंग ब्लेंडिंग एंड कुकिंग ऐसे ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स को बनाया जाता था इंसानों के द्वारा इस जमाने में पत्थरों से मेटल से और टेराकोटा से ठीक है और इसी प्रकार का एक जो पत्थर जो हमें मिला है वो मोहिंजो डारो की जब एक्सकवेशन हुई वहां पर हमें मिला है द बेस्ट नोट हरप्पन साइड क्योंकि सबसे एडवांस चीजें जो हमें मिली हैं दो ही नाम जैसे हमारी आते ना, तो पर आते हैं ना हरप्पा ध्यान से अंग्रेजी को समझ के एक एक शब्द समझाऊंगा बिल्कुल ध्यान से समझना क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में यह चीज आ सकती है राइट अ नोट ऑन सेडल कॉन राइट अ नोट ऑन सेडल कॉन एंड यू विल बी शॉक आया कहां से स्टेट पीएससी में भी पूछा जा सकता है ठीक है देखो सबसे पहले बात करते हैं नाम है इस इक्विपमेंट का सेडलकोन ये बहुत सारे नंबर के अंदर मिल रखे हैं देख रहे हो अंकिता कितना बैंकर फैट कंसिडरेबल नंबर भाई हमें तो एनसीआरटी बताती नहीं कि एक सिंगल भी मिल रखा एंड दे सीम टू हैव बीन द ओनली मीन्स इन यूज फॉर ग्राइंडिंग सीरियल्स इसी से इसी से दालें भी पीसी जाती थी जब इन्होंने दालें उगाई ना ये दाले पीसी जाती थी ऐसा एक वुड स्टोन ऐसा एक वुड हैंडल बनाया एंड नंबर यह बनाया एक पत्थर उसके नीचे बेस पे रखा एक दूसरा पत्थर बाद में अर्पित यही चीज जाकर बन गई थी जेल की सजा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग इसी को कहते थे यह भी एक प्रकार का सेटल कॉन है और ये जो चटनी पीसने के लिए यूपी यूपीएमपी बिहार में और जेल में ये जो सजा बनाना के चक्की पीसो ये चीज यहीं से आई है हरप्पन से डेवलप नहीं करा होता तो हम नहीं जानते कि ये चटनी कैसे बनती है और ये दालें कैसे पीसती हैं एज अ रूल अच्छा जो चिट्ठा जो बनाते हो ना आप लोग की कौन सी चीज हम कहां से बोरो यार आर, चले आ रहे आज में हम अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड ले, ले लेते हैं अंबर ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हम आज की अपनी जिंदगी को फॉर ग्रांटेड वे में ले लेते हैं बड़ी सारी चीजें जो आज की हमारी जिंदगी है वो देन है हरप्पन सिविलाइजेशन की तो क्या क्या चीजें हम वहां से लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं तो एक पेपर बना लेना बार उस पर लिखते चलना इस चैप्टर में सबसे पहले आपके सामने आ रहा है सेडल कॉन ये आज यूज होता है और उसको लिखकर आना कि हम चटनी बनाने के लिए आज के टाइम में यूज करते हैं या दालों को पीसने के लिए किसी भी चीज को बारीक करने के लिए क्रश करने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स में लाने के लिए तो एज अ रूल ये रूल मतलब उस जमाने के जो लोग थे जितने हमें जितने हिस्टोरियंस को मिले हैं उनका ये ये कहना है ये कैसा पत्थर हुआ, होता था यह स्टोन होता था या कोई भी ऐसी सा सरफेस हो ठीक है लगा, ल, लग रही हो वो बहुत भारी हो जरूरी नहीं वो बहुत भारी हो लेकिन ऐसा है कि जब हम उस पर कोई चीज फोर्स पीस रहे हैं तो वो टूट ना जाए चटक ना जाए ठीक है एंड इस पे हमें साइंस देखने को मिलते हैं हार्ड यूजेज के हार्ड यूजेज के कैसे किसी भी चीज को हार्ड यूज करोगे तो उस पे निशान तो आ जाएंगे ना तो जितने इनको मिले उसमें बहुत निशान थे घिसा पेटी के बहुत घिसा हुआ था बहुत सारे मार्क्स थे ठीक है और इनके जो बेसिस यूज होते थे शुरू शुरू में जब ये सेडलकोन बनाए गए इनके बेसिस कॉन्वेक्स थे देखो ये सारी चीजें देखो एक, एक, एक करके समझो इनके बेसिस कॉन्वेक्स थे ये आधा चंदा मामा की तरह ऐसे ये फ्लैट नहीं था लोग सेटल कौन के बारे में नहीं जानते तो ये बताएंगे कैसे कौन केव था फ्लैट था कि कॉन्वेक्स था ठीक है और इनको ना उसके बाद दे मस्ट सेट इन मड टू प्रिवेंट रॉकिंग क्या मतलब इस बात का देखो मैं आपको समझाता हूं अर्थ का मतलब सबसे पहले तो आप लोग एक चीज समझ जाओ अर्थ का मतलब होता है सैंड या मड तो अंबर क्या करा जाता था जमीन है ना जमीन जमीन पर मिट्टी फैली हुई है जमीन को थोड़ा सा धसा जाएगा कुछ इस प्रकार से कि जमीन की शेप ऐसी कर दी जाए अब हम रखने जा रहे हैं इस पे अंबर ये वाला पत्थर आप कभी भी देख लेना आप लोग जितने यूपी एमपी बिहार पंजाब से हो जब भी ऐसा बताओ चटनी बनाने के लिए आपने देखा होगा चाची मम्मी दादी वगैरह इसको जमीन पे रख के आराम से पीसती है चटनी है ना तभी तो फिर दम लगा लगा के आराम से क्योंकि धरती तो नीचे धसेगी नहीं आज हमारे फ्लोर मार्बल की हैं टाइल्स की हैं लेकिन फिर भी वो जमीन पे रखा जाता है चाहे किचन पे रखा जाए वो रखा जाए की स्लैब पे भी रख सकते हो लेकिन कुल मिलाकर वो जमीन में पूरी दम लगाकर जैसे कोई बैठ रहा है ठीक है घुटनों के बल फिर उसके बाद वो तो अच्छे से पिसता है वो देखा होगा ना ये चीज आपने टमाटर भी काट के रख दिया उस पर प्याज लहसन वगैरह सब कर दिया एक साथ फिर उसके बाद पीसते हैं तो चटनी एकदम से बनी चली जाती है अब ऐसे करके हमने इसको जमीन पर रख दिया मिट्टी में ठीक है, है इसके बाद फिर हमने इस पर क्या करा जो जो चीजें इस पर डालनी है वो यहां पर डाली और एक दूसरा स्टोन होगा ये वाला एक दूसरा स्टोन होगा ये वाला ये यूज करा जाएगा इस पे इन सब चीजों को पीसने के लिए ग्राइंड करने के लिए बारीक बारीकी से अब समझो इसको जब हम इसको धरती में कॉन्वेक्स शेप में ऐसे बेस बना के रख रहे हैं तो ये चटकेगा नहीं टूटेगा नहीं और आराम से ये वाला पत्थर जो है इधर से इधर खिसकाया जा सकता है ये हम पत्थर लेकर आए ऐसे करके खर खर करके इधर उधर मारेंगे देखना जैसे ऐसे ऐसे करके घिसा जाएगा ठीक है टू मेन टाइप्स के स्टोन जिसमें यूज होते थे पुश या फिर रोल टू एंड फ्रो करने के लिए रोल टू एंड फ्रो क्या मतलब ऐसे, 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 ऐसे ये जो पत्थर जाएगा ऐसे ऐसे करके जाएगा और बीच में मसाले हैं ये जो भी चीज इनको पीसनी है अदर्स विद सेकेंड स्टोन एज अ पाउंडर एक रखा जाएगा जिसमें मसाले एक दूसरा पत्थर जिससे घिसा जाएगा ठीक है जो पहले वाले जो कौन चुकॉन्स जो छोटे पत्थर के जो यूज करते थे ये सिर्फ यूज होते थे ग्रेन के लिए ग्रेन अगर पीसने ले तो सेकेंड टाइप जो थे वो जो हर्ब श्रब्स वगैरह मिलती थी जड़ी बूटियां वगैरह उनसे कलर वगैरह एक्सेट करने के लिए या जड़ी बूटियों की तरह हर्बल मेडिसिन वगैरह को यूज करने के लिए या कभी कभार मसाले वगैरह बनाने के लिए फॉर मेकिंग स्पेशल टाइप ऑफ करीज सोच रहे हो जरा नॉन वेज तो आई गया नॉनवेज तो मिली गया है और कड़ी भी बना दी बढ़िया सी ग्रेवी बना दी और इनको कभी कभार सैडल कॉर्न को कभी कभार एक नाम दिया जाता है करी स्टोन अगेन ये अगर क्वेश्चन आ जाए या ऑप्शंस आ जाए देख रहे होंगे क्या करी स्टोन मिलते थे अरप्पा में हम ही करेंगे ऐसा ऐसा कोई पत्थर नहीं होता और वो आपसे क्या पूछ रहा है मतलब ये अर्नेस्ट मैके कह रहे हैं कि जब हम किचन में खाना बनवाते हैं तो हम अपने कुक को बोलते हैं कि तुम इसी पत्थर को जो कि हमें एस्कट करते हुए मिले हैं म्यूजियम से उसको उठाकर ले आओ और इसी पे हमारे लिए जब भी कोई ग्रेवी वगैरह बनाओगे तो इसी पे बनाना अब हम धीरे धीरे करके हरप्पन साइट्स के बारे में एक एक करके जानेंगे एंड इतना डिटेल में हम लोग जानेंगे कि ये किस तरीके से इनकी डिजाइनिंग होती थी ये जी ब्लॉक एफ ब्लॉक ज्वेलरी ब्लॉक ए बी सी डी ब्लॉक ये सब क्या है सेटेड लोअर टाउन का मैप देखो यहां पर जैसा कि हमारे ब्लॉक का मैप होता है घर हमारा कहां पर है कौन सी गली के नंबर क्या है इतना डिटेल में जाकर हम इसको पढ़ने वाले हैं तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से अपनी पहली साइट इंडस्ट्री सिविलाइजेशन की द मोस्ट डेवलप्ड साइड मोहनजो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन